मिशन 2019 को सफल बनाने के लिए योगी सरकार जोशों शोरों के साथ तैयारियों में लगी हुई है और इसी के चलते अब योगी सरकार पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को हर महीने प्रदेश में बुलाने की तैयारी में है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 73 सीटें बीजेपी के पास है जबकि 5 सीटें सपा और 2 सीटें कांग्रेस के पास है। वहीं उपचुनाव में अपनी सीटें गंवाने के बाद से अब भाजपा प्रदेश में सक्रिय हो गई है। तो मिशन 2019 को सफल बनाने के लिए योगी सरकार जोर शोर से तैयारी में है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी का मिशन 2019 क्या है और इसमें योगी सरकार किस तरह से प्रयासरत है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट है जिसमें से 73 बीजेपी के पास है, 5 सीट पर सपा और 2 सीट पर कांग्रेस का कब्जा है। और इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी जी फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश जी स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। नमस्कार सर, मिशन 2019 की तैयारी में अभी से जुट गए हैं और उपचुनाव में जिस तरह से जो हार मिली है उसका क्या ये डर देखा जा रहा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यसंस्कृति में है पूर्व योजना और पूर्ण योजना। हम किसी भी मामले में पहले से ही योजना बनाते हैं और कार्यकर्ताओं का नेटवर्क हमारा वर्ष भर सक्रिय रहता है। अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से संगठनात्मक गतिविधियां चलती रहती है। चुनाव को लेकर के विशेष तैयारियां हम जरूर करते हैं और पहले से तैयारी करते हैं क्योंकि हम जातीय गणित के आधार पर चुनाव नहीं जीता करते हैं, पैसे के आधार पर चुनाव नहीं जीता करते हैं। कार्यकर्ताओं की मेहनत के आधार पर बूथ समिति हमारा जो काम करती है जनता के बीच में मन पर तकरीर रखती है उसके आधार पर हम चुनाव जीतते हैं और इसके लिए हम पहले से तैयारी करते हैं। बिल्कुल, बने रहिए आप हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार रजा रिजवी जी जुड़ गए हैं। रजा साहब स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। जी जी रजा साहब, 2019 को सफल बनाने की तैयारी में योगी सरकार अभी से जुट गई है, किस तरह से देखते हैं 2019 के समीकरण को अभी से आप उत्तर प्रदेश में? देखिए, ऐसा है कि 2019 योगी जी के लिए करो या मरो का है क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं और उन पर जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का और प्रधानमंत्री जी का जो है बहुत ही वरदहस्त है और वो बनाया भी इसीलिए गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितनी एमपी की सीट आई है उससे कुछ ना कुछ बढ़ के जो है योगी जी लाएंगे और इसीलिए योगी जी जो है मेहनत भी कर रहे हैं, बराबर हर जिले में जा रहे हैं। आप देखिए जो बनारस में फ्लाई ओवर गिरा, कृष्ण मौर्या जी पहले पहुंचे उसके बाद फौरन जो है वो रात में पहुंच गए और सस्पेंड भी किया और उसके बाद FIR की भी कार्रवाई गई, तो वो इस तेजी को वो दिखा भी रहे हैं कि अगर हम एक्शन भी कर रहे हैं, हम ऐसा नहीं कि हम चुपचाप बैठे हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ही योगी जी दौड़ रहे हैं और दौड़ इसलिए भी रहे हैं कि जो बाई इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन में वो नुकसान हुआ था बड़ा पार्लियामेंट का, तो उसको भी योगी जी इससे देख रहे हैं कहीं जो है उत्तर प्रदेश में कहीं कोई नुकसान ना हो और जो भी कमियां हैं, क्योंकि इस जो ये 2018 है इससे बहुत तेजी से सरकार जो है काम करने की कोशिश करेगी, बहुत तेजी से सड़कें बनाने काम करेगी, जितने भी काम पड़े हुए हैं पुराने उनको भी करने की कोशिश करेगी और आम जनता ये देख भी रही है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में किस तरीके से विकास का कार्य कर रहा है और आम जनता बहुत समझदार है और बहुत समझदारी से वोट करती है और वोट उसी को देती है जिससे उसको भला दिखता है और अगर योगी सरकार से भला उसको दिखेगा तो जाहिर सी बात है कि 2019 योगी के लिए फायदेमंद होगा, भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद होगा और अगर योगी सरकार काम में कमजोर दिखेगी आम जनता को तो उसका नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन योगी सरकार की मतलब जो बाई इलेक्शन में जो रिजल्ट आया उसका भी डर कहीं ना कहीं है, इसलिए अभी से इनने कवायद शुरू कर दी है। राकेश जी, आप लोगों का पूरा रोडमैप तैयार हो गया है, हर महीने राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी को बुलाने की कवायद और तैयारी में भी है, क्या कुछ प्रोग्राम रहेंगे आप लोगों के और बाकी में क्या डर है बाई इलेक्शन के? जो बाई इलेक्शन हुआ था उसका रिजल्ट आया था। देखिए, उत्तर प्रदेश के प्रभारी के नाते अमित शाह जी का बहुत निचले स्तर तक पहले भी दौरा हुआ है और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में उनकी व्यापक समझ है। नरेंद्र मोदी जी भी एक समय में उत्तर प्रदेश के प्रभारी रहे हैं और उत्तर प्रदेश में उनका भी व्यापक सघन संपर्क रहा है और आज वो उत्तर प्रदेश से ही सांसद है। इससे हमारी उत्तर प्रदेश पार्टी की इकाई की अपेक्षा रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हमारा नेतृत्व को हमको मार्गदर्शन मिल सके और निश्चित तौर पर अमित शाह जी के आने से और नरेंद्र मोदी जी के आने से उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं में ऊर्जा का संचार होता है। पहले ही कह चुके हैं इस बात को कि हम पूर्व योजना के आधार पर काम करते हैं और उपचुनाव के परिणामों ने जरूर एक अलार्म हमको दिया है, संकेत दिया है कि हमको विपक्ष की रणनीति के हिसाब से अपने रणनीति में आवश्यक परिवर्तन करना होगा और वो आवश्यक रणनीति में परिवर्तन करके हम कैराना और नूरपुर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और कैराना और नूरपुर के चुनाव के परिणाम जैसे ही आएंगे स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का जो समर्थन है वो ठीक है। रजा साहब, बहुत संक्षेप में, जिस तरह से अभी जो बाई इलेक्शन अभी होना है कैराना में, जिस तरह से राकेश जी भी जिक्र कर रहे हैं,
क्या यहाँ पे जिस तरह से अभी जो बाई इलेक्शन हुए थे गोरखपुर और का जो रिजल्ट सामने आया था उसका कितना इन्फ्लुएंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कैराना और नूरपुर दोनों में बहुत मजबूती से चुनाव लड़ना पड़ेगा और जरा से भी इनको छोड़ना नहीं है कमजोरी। अगर कमजोरी छोड़ेंगे तो दूसरे लोग उसका फायदा उठा लेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर भी बंसल जी वहां गए और बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि जो 2019 का चुनाव होगा उसमें योगी जी को भारतीय जनता पार्टी जरूर गोरखपुर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लड़ाएगी, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जो गोरखपुर से योगी जितना जो है प्रतिष्ठित है, जितना उनका मान सम्मान है गोरखपुर में, बहरहाल तो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, पूरे प्रदेश में सम्मान है, लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में मुझे लगता है बहसियत पत्रकार की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट योगी जी गोरखपुर से लड़ाएगी और भारतीय जनता पार्टी अपनी एक एक सीट पर रणनीति करके चुनाव लड़ाएगी कि उसकी कोई सीट हारने ना पाए। बहुत बहुत शुक्रिया रजा साहब बातचीत करने के लिए। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।